छोड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं आपके चैनल के वसादत से तमाम मेंढर के नौजवानों को, बुजुर्गों को और आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। काफी दिन से लोगों ने यहां आके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह तबारक व ताला हम सब लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है इस बार मेंढर की तब्दीली के लिए मेंढर में यतीम गरीब मसकीन की मदद करने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। और इंशाल्लाह तबारक व ताला इस बार का असेंबली इलेक्शन हम ताकत के साथ लड़ेंगे। मैं एक ही चीज अपने अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक मेंढर के अंदर में हमेशा जात बरादरी को फरोग देकर हम सब लोगों को बांटकर हमारी सलाहियतों को खत्म किया गया। मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि आप सब लोग मेंढर को बढ़ाने के लिए, मेंढर को मजबूत मेंढर बनाने के लिए, मेंढर के इश्यूज को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए इस बार जात बरादरी के इस सारे दलदल से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठे होकर अपने मुल्क को और अपने मेंढर को मजबूत बनाने के लिए हम सब चलेंगे। और जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हर एरिया की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैंने पूरा मेंढर पंचायत वाइज रिजर्व किया लास्ट 7 सालों में, इसलिए इंशाल्लाह हम लोगों की परेशानियों को जानते हैं, लोगों के इश्यूज को उजागर करना भी जानते हैं। और हम मिलकर इस सारी आवाज को मजबूत आवाज बनाने के लिए इस बार के असेंबली इलेक्शन को मिलकर इंशाल्लाह लड़ेंगे। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हमारा हॉस्पिटल है, चाहे एजुकेशन का सिस्टम है, चाहे हमारा पानी का निजाम है, बिजली का निजाम है, चाहे नौजवानों को गेम्स की तरफ, इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो 40 साल से आज तक सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जब भी हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने आएगा, हम इंशाल्लाह उस पूरी मैनिफेस्टो के अंदर में मेंढर की तमाम दिक्कतों और परेशानियों को रखेंगे। और जितने इश्यूज हैं जो पढ़े लिखे नौजवान तबके के, बुजुर्गों के और हर तबके की जो भी इश्यू परेशानी होगी उसको उजागर करेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि जल्द ये जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये वादा किया था कि हम जल्द से जल्द, और होम मिनिस्टर साहब ने भी, कि असेंबली इलेक्शन के बाद में इस यूटी को जो है हम वापस जो है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर बदलेंगे। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इशू को रखते हुए कि इन सारे मुद्दों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोचेगी। और साथ ही साथ में मैं नौजवानों को भी कहूंगा इस प्लेटफॉर्म को मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि ये प्लेटफॉर्म आने वाली नस्लों के लिए रोल अदा कर सके।